आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस और झटपट से सिर्फ 5 मिनट में बनने वाली बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे आप पार्टी स्टार्टर भी कह सकते हैं, बच्चों के बर्थडे पार्टी में आप इसे बनाकर जो है बच्चों को खुश कर सकते हैं। बहुत ही ईजी बनते हैं और बहुत ही टेस्टी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरोज और चटपटी चटोरी रसोई में आप सभी का स्वागत है। झटपट से बनने वाले ये पार्टी स्नैक्स बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लगते हैं, तो चलिए बनाते हैं मस्का चस्का ओपन स्प्रिंग रोल जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस बनते हैं। एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, बारीक कटा हुआ लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डालेंगे और अच्छे से इन्हें सौते कर लेंगे। यहाँ पर फ्लेम को मैंने जो है मीडियम रखा है। एक बारीक कटा हुआ जो है प्याज डालेंगे, मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया है। अच्छे से इसे जो है हल्का गुलाबी होने तक पकाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। यहाँ पर बारीक कटी हुई गाजर और बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डालेंगे, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम ही रहने देंगे और मीडियम फ्लेम पर जो है इन्हें जल्दी से अच्छे से हम मिक्स करेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी पत्ता गोभी और इसे भी अच्छे से इनके साथ सौते कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने डाला है थोड़ा सा नमक, 1/2 टीस्पून, 1/4 टीस्पून जो है रेड चिली पाउडर। चिली डालना ऑप्शनल है, अगर आप स्पाइसी पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। 1 टीस्पून यहाँ पर जो है लाइट सोया सॉस डालेंगे और 1 टेबलस्पून चिली सॉस, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और जो है ब्लैक पेपर पाउडर डाला है, ये भी ऑप्शनल है अगर आप स्पाइसी पसंद ना करें तो, लेकिन इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। स्टफिंग हमारी बनकर बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं मस्का चस्का बिस्किट, इनका फ्लेवर ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बटरी है। ये देखिए, इस तरह के ये बिस्किट्स हैं। आप चाहें तो जो मोनाको बिस्किट आते हैं ना, उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इस पर एक जो है छोटा चम्मच यहाँ पर हम लगाएंगे, या तो शेजवान सॉस आप लगा सकते हो, यहाँ पर आप पिज़्ज़ा सॉस भी लगा सकते हो। ऊपर से हम स्टफिंग डालेंगे। थोड़ी सी हमने बेल पेपर डाली है, हरा धनिया और जो है बारीक कटे हुए टमाटर से इसे गार्निश किया है और ये बनकर बिल्कुल तैयार है। इसी तरह से सारे मस्का चस्का स्प्रिंग रोल हम बना लेंगे और ये देखिए कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। झटपट से 5 मिनट में बन गए ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस लगते हैं और बच्चों को तो ना ये एपेटाइज़र बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस, झटपट से 5 मिनट में बनाइए और बच्चों को जो है खुश कीजिए। आप इसे पार्टी स्टार्टर के रूप में भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों की किटी पार्टी में आप इसे दे सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लगते हैं। फ्रेंड्स, अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।